उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। इस घोषणा से पहले से ही जिले में भाजपा विधायकों के कार्यकर्ता व करीबी राज्यों में भाजपा के सत्ता स्थापित होने और अपने नेता को इस बार बड़ा पद मिलने के दावे करते रहे हैं। इस बीच सत्ता स्थापित होने का रास्ता साफ होता देख भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात शहर के कुछ हिस्सों में जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। हालांकि भाजपा ने देर रात तक इस मुद्दे पर अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की थी। राज्यपाल के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद बहुमत के परीक्षण पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद अब भाजपा के सत्ता में आने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बुधवार की देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धर्मपेठ परिसर में जश्न मनाया गया। भाजयुमो पदाधिकारियों ने देवेंद्र फडणवीस के निवास के पास इकट्ठा नजर आए। साथ ही धर्मपेठ की मुख्य सड़कों पर जश्न मनाया गया। इस समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने फटाके फोड़े और राज्य में हुए राजनीतिक परिवर्तन पर खुशी जाहिर की। ये बहुत आनंद की बात है। आज जो महाराष्ट्र में जो विकास की दरगाह देवेंद्र जी लाए थे मोदी जी के सहयोग के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, वो पिछले 20 साल से रुक गई थी और महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ केवल भ्रष्टाचार और अनाचार दिख रहा था। आज एक सामान्य नागरिक करके हम बहुत ज़्यादा खुश है कि जो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, उसने आज राजीनामा दिया है। और निस्संदेह जो सबसे बड़ा पक्ष है देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर वापस भाजपा की सरकार आने की आशंका है। हमें विश्वास है कि वापस विकास की गंगा इस प्रदेश में आएगी और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।